हेलो गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू द ऑनलाइन क्लासेस ऑफ आरसे एजुकेशन हब बानसूर। चलिए कंटिन्यू करते हैं चैप्टर नंबर 2 और आज हम डिस्कस करेंगे सेपरेटिंग द कंपोनेंट्स ऑफ ए मिक्सचर। ओके, और पहला हमारे पास हाउ कैन वी सेपरेट कलर्ड कंपोनेंट ऑफ ब्लू ब्लैक। ओके, कलर्ड कंपोनेंट ऑफ ब्लू ब्लैक, अंडरस्टैंड बेटा। तो देखिए इसमें हमारा मेन है जो प्रोसेस है, जिस प्रोसेस के थ्रू हम सेपरेट करेंगे दैट इज इवेपोरेशन। ओके, इवेपोरेशन में हम क्या करते हैं, सबसे पहले हम एक बीकर लेंगे, बीकर को हम हाफ ऑफ बीकर को फिल करेंगे वाटर। ओके, बीकर यू नो वेरी वेल ग्लास का होता है, अंडरस्टैंड। इसको हाफ ऑफ हम इसको वाटर से फिल करेंगे, दैट वी हैव टू बी पुट इट ऑन इट रिपोर्ट स्टैंड। एक स्टैंड होता है हमारे पास सेपरेटेड, उसके ऊपर हम इस बीकर को पुट करेंगे। फिर हमने यहाँ पे क्या किया, बर्नर को ऑन कर दिया। इट इज बर्नर, बर्नर में गैस फिल होती है, हमने इसको ऑन कर दिया, इससे फ्लेम स्टार्ट होती है। अब जैसे ही बर्नर से बीकर हीट होगा, हमने इसके ऊपर रख दिया वॉच ग्लास। मैंने यहाँ पे बनाया वॉच ग्लास, एक कांच का बना हुआ कंटेनर टाइप होता है जिसमें हमने क्या डाली, ब्लू ब्लैक इंक्रीजर फ्लेम, कोई भी इंक आप ले सकते हैं किसी भी कलर की, उसको हमने वॉच ग्लास को बीकर के ऊपर रख दिया। अब होगा क्या, यहाँ से जो हीट है वो ट्रांसफर होगी बीकर में, और बीकर से हीट ट्रांसफर होगी, वाटर गर्म होगा, वाटर की हीट ट्रांसफर होगी वॉच ग्लास में। डायरेक्टली हम उसको हीट नहीं करेंगे, एग्जैक्ट हम इसको इनडायरेक्टली हीट दे रहे हैं। तो वाटर जब गर्म होगा तो वाटर की जो हीट है वो ट्रांसफर होगी वॉच ग्लास में, एग्जैक्ट क्लियर। वॉच ग्लास से जो लिक्विड कॉम्पोनेंट है वो क्या होगा, इवेपोरेट हो जाएगा। ओके, जब लिक्विड कॉम्पोनेंट इवेपोरेट हो जाएगा तो नीचे क्या बचेगा, सॉलिड कॉम्पोनेंट, और वही सॉलिड कॉम्पोनेंट क्या है, वही सॉलिड कॉम्पोनेंट क्या है, ब्लू या ब्लैक कलर, अंडरस्टैंड बेटा। तो आई होप आपको क्लियरली समझ में आ गया होगा, इस मेथड से हम किसी भी कलर कॉम्पोनेंट के कलर को सेपरेट आउट कर सकते हैं। किसी भी कलर को मीन्स इज मैथड ब्लू एंड ब्लैक, इज दैट क्लियर। जो भी कलर कॉम्पोनेंट में डाई डाई में हम इसे मैथड यूज करते हैं टू सेपरेट द कॉम्पोनेंट्स ऑफ द डाई, इज दैट क्लियर। सो ये फर्स्ट मेथड था टू सेपरेट द कॉम्पोनेंट।